तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। देखिए पूरी की पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है ग्रुप डी के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे जो रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में, साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही के दिनों के हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है आपका रेलवे ग्रुप डी में 90+ क्वेश्चन को सही कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो को। वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इससे पहले आपको बताते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करिए जिससे आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको चाहिए इस वीडियो के पीडीएफ तो उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर हम पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाए, तो उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा था, कौन सी नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात कर, तो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको करके ऐसे ऐसे करंट अफेयर बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पूरी करंट अफेयर हम आपको पिक्चर के साथ बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या आया है। जो मैंने आपको बताया था सिलेबस सेम वही सिलेबस आया है। बच्चों ने कमेंट किया था कि आपको कहाँ से पता चला सिलेबस कहाँ से पता चला, तो बच्चों देखो ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, जैसे पेपर आते थे उसी टाइप के पेपर मैंने आशा करी हुई थी और ये सिलेबस बनाया हुआ था, सेम सिलेबस आया, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। अगर आप चाहते हो पुराना सिलेबस देखना तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप पुराने सिलेबस को देख सकते हैं। कुल मिला के 90 मिनट का आपका पेपर होगा, यानी कि आपका पेपर होगा 1.5 घंटे का, और इन 1.5 घंटे में आपको करना होगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व। जो आपके रेलवे एएलपी का पेपर था वो था 75 क्वेश्चन करना था 1 घंटे में सॉल्व, यहाँ आपके पास 100 क्वेश्चन करना है 1.5 घंटे में सॉल्व, यानी कि 25 क्वेश्चन के लिए आपको मिल गया कुल मिला के 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। तो टाइम लगभग कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, तो आपको 1.5 घंटा भले मिला है लेकिन क्वेश्चन की संख्या भी 25 बढ़ गई है, तो कुछ खास हम नहीं कह सकते कि टाइम बढ़ा हुआ है। अब आते हैं सेक्शनल वाइज कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स से कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिर्फ आपके मैथ और रीजनिंग से ही आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लगभग लगभग आपका आधा पार्ट कवर कर लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर, दोनों के दोनों पार्ट जो हैं, दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में, आपको सिलेक्शन दिलाने में। और 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके साइंस करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के थ्रू, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये था आज का रेलवे का नोटिफिकेशन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से करंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको वहाँ पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे और भी कई सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। बस आपसे पूछे गए हैं तो इसके अलावा अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी पुरानी वीडियो को जरूर देखेगा, वहाँ पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला आता है कि रेलवे ने अपने ब्रांच के नाम और आईएफएससी कोड बदल दिए हैं, तो कुल मिला के 1300 से ज़्यादा शाखाओं के नाम बदले गए हैं और इसके लिए रेलवे ने 6 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक यानी कि बीएमबी के साथ विलय को तर्कसंगत बनाना शुरू कर दिया है। तो कई सारे जगह रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर भी उनके नाम और कोड बदल दिए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रुचि घनश्याम ये ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त बन गई है। ठीक है, नाम क्या है? रुचि घनश्याम। आप फोटो भी देख लो तो शायद आपको याद हो जाए, रुचि घनश्याम इनका नाम है। ये ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त बन गई हैं। रुचि वाई के सिन्हा की जगह लेंगी, ये किसकी जगह लेंगी? वाई के सिन्हा की, और जिन्होंने दिसंबर 2016 में जिम्मेदारी संभाली थी और वाई के सिन्हा रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर आ जाएंगे रुचि घनश्याम। याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एशियाड गेमों की। ठीक है, एशियन गेम्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो सपना बर्मन बुधवार को एशियन गेम्स इतिहास में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। याद रखिएगा, नाम क्या है? सपना बर्मन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हेप्टाथलॉन में फाइनल में 6026 अंक लाने वाली सपना को स्पर्धा के दौरान जबड़े में चोट लग गई थी। वहीं टूर्नामेंट के 11वें दिन स्पर्धा जो सपना है इन्हें पदक के बदौलत भारत के पिछले टूर्नामेंट जीते गए 11 स्वर्ण पदकों की बराबरी कर ली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिला हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक। अगले पे बात करते हैं। देखिए अगला आता कि अरपिंदर सिंह को 2018 एशियन गेम्स में भारत को दिलाया 10वां स्वर्ण पदक। इन्होंने भारत को 10वां स्वर्ण पदक दिलाया हुआ है। तो
इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया में चल रही आपको गेम पता है 11वें दिन बुधवार को पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के अरपिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। साथ ही साथ भारत में मौजूदा टूर्नामेंट में 10 स्वर्ण पदक अभी तक आ चुके हैं और 20 रजत आ गए हैं और कुल मिला के स्वर्ण रजत कांस्य मिला लें तो कुल मिला के 53 पदक अभी तक भारत ने जीते हुए हैं। इस स्पर्धा में भारत के राकेश बाबू आर्यन जो वेंटी लिए छठे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अगले भी बात करते हैं, काठमांडू में पहला सार्क ACB फोरम होगा। तो पहला सार्क ACB मतलब क्या हो गया, कृषि सहकारी व्यापार। ठीक है, कृषि सहकारी व्यापार मंच काठमांडू में शुरू होगा। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखेगा, पूरी वीडियो को मत छोड़िएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको डेली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कराएं या फिर अगस्त से पहले के करंट अफेयर्स जो रेलवे ग्रुप डे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत ने कुरैश में जीता रजत और कांस्य पदक। तो कुरैश में एशियाई खेलों 2008 में दो पदक जीते हैं जो मध्य एशिया में कुश्ती का स्वदेशी रूप है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है नौलेखा प्रोजेक्ट। इसका नाम है नौलेखा प्रोजेक्ट। तो गूगल ने नौलेखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका संस्कृत में अर्थ लिखने का एक नया तरीका है। ठीक है, नौलेखा प्रोजेक्ट क्या है, जिसका संस्कृत में अर्थ लिखने का नया तरीका है। नौलेखन प्रोजेक्ट भारत में ऑफलाइन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी सामग्री को ऑनलाइन बनाने में सशक्त करेगा। ठीक है, ऑनलाइन अगर लाना है तो ये एक हिसाब से कह सकते हैं जो संस्कृत के पत्र पत्रिकाएं हैं इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है कि मंजीत ने पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। ठीक है, मंजीत हैं ये 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं भारत की तरफ से। जकार्ता में एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों के 800 मीटर ट्रैक और फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। यह मंजीत का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदक है। इन्होंने इससे पहले कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदक नहीं जीते, इनका पहला है। उन्होंने 1 मीटर और 46.5 सेकंड में 1 मिनट एक्चुअली में 1 मिनट 46.15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करी है और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला पे बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे, चीन को हराकर 20 साल बाद एशियन गेम्स के महिला हॉकी फाइनल में भारत पहुंच गया है। ठीक है, 20 साल बाद हॉकी फाइनल में भारत पहुंच गया। साथ ही साथ बता दें कि कबड्डी का जो विश्व कप होता है, विश्व फाइनल हम कह सकते हैं, उसमें अभी तक भारत ने ही सारे के सारे पदक जीते हुए, भारत ही कबड्डी का फाइनल विजेता रहा है। भारत ने अभी तक जितने भी बार कबड्डी खेला वो फाइनल रहा है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने गोल्ड जीता है अरपिंदर सिंह ने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। एक ही आता आपके पास कि दुती चंद ने एशियाड में 100 मीटर के बाद 200 मीटर में भी जीता है रजत पदक। ये पहले आपको पता है 100 मीटर में भी जीत चुकी हैं, अब ये 200 मीटर में भी जीती हैं। तो भारतीय धावक हैं, नाम है दुती चंद। इन्होंने 18वें एशियन गेम्स में बुधवार को महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं दुती टूर्नामेंट की इस स्पर्धा में 2002 के बाद पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धावक हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, इन्होंने ये कहा मंगलवार को कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान में जाने के लिए चुने गए 3 अंतरिक्ष यात्री श्री हेटकोजा से लॉन्चिंग के 16 मिनट के भीतर ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। यहाँ नहीं आया कि यहाँ से अगर लॉन्च होगा तो ये 16 मिनट के भीतर ही कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके अंतरिक्षयान में पहुंच जाएंगे। और आगे कहा कि 5 से 7 दिनों के भीतर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का परीक्षा करने के बाद विमान का क्रू मॉड्यूल अरब सागर में गिर जाएगा। देखिए, आज 29 अगस्त जो आपके पास, कल 29 अगस्त था, आज 30 अगस्त, तो 29 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है, आपने इसका यूज किया भी होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका आप कह सकते हो कि इसका क्या होता है, स्थापना होता है। इसके बाद 1999 में कंपनी ने मासिक सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना लिया। 2007 में इसने स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया। कंपनी के अनुसार वर्तमान में 190 देश से ज़्यादा भी इसके पास सदस्य हैं और कुल मिला के 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य उस पर हैं। देखिए, डॉलर जो है वो 1 रुपये बराबर आपके पास हो गया $70.59। ये थोड़ा सा दुखद खबर है कि रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स पे, सैमसंग का एंड्रॉयड गो आधारित पहला स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया। ठीक है, ये एंड्रॉयड गो जो है 1 GB तक रैम वाले सस्ते डिवाइस के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका रैम आपके पास 1 GB तक होगा। गैलेक्सी J2 कोर लॉन्च किया गया जिसकी कीमत लगभग लगभग 6890 रुपये। तो कह सकते हैं कि सिंपल यूज के लिए ठीक है, लेकिन काफ़ी बेहतर यूज करना है तो बिल्कुल नहीं ठीक है। देखिए, नासा के एक वैज्ञानिक ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक नासा के 50 सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया, क्योंकि कुल मिला के 18,000 लोगों में सिर्फ 12 लोगों का वहाँ चयन होता है। और इनका नाम आपको बताते हैं रॉब कुलिन, ये 34 साल के निजी कार्डो से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, गूगल पे आप क्या कहते हैं, गूगल तेज अभी तक यूज करते थे तेज एप्लीकेशन, उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम बदल के गूगल पे रख दिया गया है। तो याद रखिए, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, गूगल फॉर इंडिया 2018 में एक कार्यक्रम में एक चीज़ बताया गया आपके पास। अगले पे बात करते हैं,
मनिका कमल की जोड़ी ने जीता टेबल टेनिस में भारत का एशियाड का दूसरा पदक। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बन्ना और उनके पुरुष जोड़ीदार हैं अचंता शरत कमल ने। इन्होंने कुल मिला के कांस्य पदक भारत को दिलाया है। चलिए अगले बात करते हैं। देखिए कल था 29 अगस्त, तो कल मनाया गया था आपके लिए राष्ट्रीय खेल दिवस। रीजन ये है कि कल दिग्गज खिलाड़ी हैं हॉकी के ध्यानचंद, उनकी याद में ये मनाया जाता है खेल दिवस। भारत की मंधाना जो है इंग्लिश टी20 लीग की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गई है। मंधाना आपने इनका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस भी थी इससे पहले। चलिए बात करते हैं आखिरी और लास्ट के बारे में कि फेसबुक ने दुनिया भर में जारी की अपनी वीडियो सर्विस वॉच है। इसमें क्या करना है आपको कि इस पर यूजर जो भी अपना वीडियो बनाएगा उसके साथ साथ कंपनी द्वारा निर्मित ओरिजिनल जो वीडियो है और लाइव प्रोग्राम दोनों ही आप देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो, थोड़ा सा आपके फेसबुक तरफ से किया गया एक अच्छा पहल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए ग्रुप डी के, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल पर जो मॉक चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉक आपके 1 सितंबर से लगातार चलना शुरू हो जाएंगे। नया शेड्यूल आपको पता चला होगा चैनल का, नया शेड्यूल जिसकी मैंने कल कम्युनिटी बॉक्स में इसको पोस्ट भी किया था दोबारा। तो नए शेड्यूल के हिसाब से आप जरूर ढल जाइए। एक बार मैं आपको नया शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 5 से 5:15 में आप कह सकते हो आपको मिलेगी मैथ का मॉक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए, RPSI के बच्चों के लिए। 9 से 9:15 के बीच आपको मिलेगा मैथ का दूसरा मॉक जो काफ़ी ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपको 1 से 1:15 के बीच मिलेगा GS का मॉक जो रेलवे ग्रुप डी और RPSI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 5 से 5:15 के बीच आपको मिलेगा GS का दूसरा मॉक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी सभी एग्जाम के लिए। रात में 10 से 10:15 के बीच आपको मिलेगा रीजनिंग का मॉक मिल सकता है, या फिर कोई नई नोटिफिकेशन आई है तो वो मिल सकता है, या फिर मैथी का मॉक आपको मिल सकता है, या फिर GS का ही मिल सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको रात में 10 से 10:15 के बीच मिल जाएगा। तो ये नया शेड्यूल है चैनल का, इसको आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद और भी सारे एग्जाम जैसे बच्चे कहते हैं RPO की तैयारी, तो उनको यहीं पे मैथ की तैयारी, GS की तैयारी हो जाएगी। और भी कई सारे एग्जाम जैसे UP SSSC का एग्जाम, यानी कि जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला वो भी स्टार्ट होने वाला, उसकी भी तैयारी आप हमारे चैनल पर होती रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।